राधे, चारों धामों से निरालो ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी। राधे राधे आप सभी भक्तजनों को। हमें इस समय श्री धाम वृंदावन में और नौका विहार हो रहा है। आज अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस दर्शन यात्रा का यमुना पूजन एवं चुनरी मनोरथ के साथ श्री महंत श्री लालजी सरन जी महाराज जी के पावन सानिध्य में शुभारंभ हो चुका है और 8 दिनों की ये यात्रा होती है, जो कि वाहनों के माध्यम से सभी भक्त जो है देश विदेश से जो आते हैं वो इस यात्रा का लाभ लेते हैं और ब्रज 84 कोस के दर्शन करते हैं। ये अष्ट दिवसीय यात्रा है जिसका आज से शुभारम्भ हो चुका है। अब हम नित्य ब्रज 84 कोस की चराचर भूमि में अलग अलग जगह स्थानों में जाकर मंदिरों के दर्शन करेंगे। आप सभी भक्तजनों को ये जो दर्शन है ब्रज रहे दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से नित्य देखने को मिलेंगे। ये पूरी यात्रा ब्रज रहे दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कवरेज करेंगे, प्रयास करेंगे कि आप सभी भक्तजनों तक ब्रज 84 कोस के जो दर्शन यात्रा है उसका आप तक लाभ पहुँचाएँ। ब्रज रहे दर्शन के लिए श्री राम वृंदावन राधे राधे। कहाँ यमुना किनारा है, श्री निधि वन प्यारा है, कड़ कड़ में बिहारी जी यहाँ तेरा नजारा है। राधे राधे, बड़ो आनंद आ रो गुरु। श्री यमुना जी को चुनरी मनोरथ के संग ब्रज 84 कोस यात्रा को एक अब शुभारंभ। अब लिंग अष्ट दिवसीय ब्रज 84 कोस यात्रा के आनंद बोलिए श्री यमुने रसरानी की जय। जय जय श्री राधे। या समय रो गुरु नौका विहार और देखो पूरो आनंद आ रो या समय। जय हो प्रभु राधे राधे। शुक्ला जी कहा मोबाइल में बिजी कर लगे। राधे श्याम राधे। आज का जो शुभारंभ जो 84 कोस ब्रज यात्रा दर्शन यात्रा जिसने भगवान कृष्ण बलराम अपने जैसे गैया चराने गए, जो माता यशोदा मैया नंदा बाबा कहने के लाला तुमको तो बहुत छोटे, हमारे हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा करना चाहिए, बेटा हो तो बेटा ले तो बेटा, नहीं तो हम बूढ़े करते। पहले ऐसा संकट था कि जिसमें मार्ग भर में थे कि नदियों में पुल नहीं था, कहीं मार्ग नहीं थे, जंगल में हिंसक जानवर रहते थे, ऐसी संकट में भी आके हम लौट के आए ना आए इस तरह से करके बहुत संघर्ष की। जैसे चार धाम की यात्रा बद्रीनाथ केदारनाथ द्वारका रामेश्वर ऐसी जो तो यात्रा कैसे कठिन यात्रा करते थे, ऐसी समय में भगवान ने कहते ये माता पिता तो भाई ये तो मानेंगे नहीं। भगवान ने जैसे अपने जो मन से जो मानसी गंगा को प्रकट किया, इसी तरह से मन से भगवान ने जितनी चार धाम को जितने भी तीर्थ है हमारे यो भारत वर्ष में जितने भी तीर्थ है चार धाम को इन्होंने ब्रिज मंडल में ही ये 84 कोस के अंदर में ही उन्होंने स्थापित किया। जैसे हम प्रोग्राम करा के ब्राह्मणों को अलग अलग स्थान दे के उनको बैठाते हैं, कोई छोटा बड़ा इस तरह से करके, इस तरह से केदारनाथ है जाके 350 सिद्धियाँ हैं उसको राजस्थान में पहाड़ के रूप में वहाँ के जो कामबन में वहाँ से जो विराजमान हुआ, जिस तरह से जो गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार हर की पेड़ी नीलधारा नर नारायण पर्वत इस तरह से बद्री विशाल का मंदिर इस तरह से जाके राजस्थान में वहाँ विराजमान हो गए, सब तरह से गंगा सागर जितने भी तीर्थ वर्षक उनको सब आमंत्रित किया भगवान ने। कहते बाबा तुम हमको तो चलो ब्रिजवासी के साथ में हम 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं तो आपको चार धाम की इसलिए से जाते तो क्या, क्योंकि बद्रीनाथ को याद करे याद बद्री याद करते बद्रीनाथ प्रकट यात्रा करके यमुनोत्री गंगोत्री सब कर करते बुके उन्होंने से कर दिया। उस तरह से आदमी लक्ष 84 योनि में भटकता है, जैसे 84 यंगल योग है तरह तरह के योग योग है उसमें भटकता है,
उसको छुटकारा पाने के लिए भगवान ने ये 84 कोष के परिक्रमा का जो प्राणी 84 कोष के, वो भी चतुर्मास में देवता लोग ब्रज का चतुर्मास वास करते हैं देवता लोग, उस समय जब जाके फिर जब ब्रज में जब भगवान ने कहते हैं इसको जो भी ब्रज की 84 कोष की यात्रा करेगा लग 84 योनि से छुटकारा पा दे श्री धाम वृंदावन गौलोक धाम से प्राप्त होता है, इसलिए श्री 84 कोष की परिक्रमा करते हैं। इसलिए हमने इसका पैदल यात्रा हमने क्योंकि 25 साल तक पैदल यात्रा 4-5 हजार की यात्रा की हमने कराई, करते हुए हमारा स्थान की ज़्यादा जिम्मेदारी आके समय की आज लोग चल नहीं पाते, इसलिए बाण की यात्रा हमने 2001 से प्रारंभ करा है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि 84 कोष को बाण की यात्रा से दर्शन यात्रा होता है, इसलिए यहीं से शुरुआरंभ हुई है हमको इसको। ये पैदल बाण की यात्रा से भी 24 साल पूरे हो गए, इसे उपलक्ष्य हम साल में ये कार्तिक के महीना में इसमें अगन के महीना में हम लोग निकालते हैं, ये कार्तिक के महीना में निकल दूसरे ये दशमन के कल से आज से यमुना पूजन प्रारंभ हो गया, जिसे हम 8 दिन का अनुष्ठान करते हैं ना, अनुष्ठान करके यमुना जी को दूध से दही से करके करके यमुना जी को चुनरी मनोरथ करके मनोकामना पूरी करके यमुना महारानी, क्योंकि ये ब्रज में मुख्य ये है क्योंकि ब्रज भूमि हुई है भगवान के आज 5-5.5 हजार साल पहले के ब्रज भूमि हुई है, साक्षात यमुना जी हुई है, साक्षात गिरिराज जी हुई है, 3 वस्तु अभी प्रत्यक्ष में है, इसलिए इनका हमने यमुना जी को पूजन करके आराधन करके हमने यमुना जी अपने महारानी अपने यात्रा को सफल कर दे पूरा कर दे, इनको जो उनको मनोकामना पूरी हो, इस तरह से हमने आज यमुना जी का पूजन करे। अनेक भक्त देश विदेश से आए हैं इनके साथ में, हमने शोभा यात्रा निकाल के यमुना जी का चुंदरी मनोरथ किया, यमुना जी का दूध के अभिषेक होगा, दही से हो गया, घी से हो गया करके अभिषेक करके अपने आगे तुरंत करते यहाँ संतों के भंडारा सेवा सब हुई है। आज अब इस उपलक्ष्य में ठाकुर जी को रासलीला की प्रोग्राम चल रहा है, रास के अपने कल सुबह से ही हमने को यात्रा में प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राम। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर ले जी, राधे राधे। आज श्री यमुना पूजन एवं चुनरी मनोरथ के साथ ब्रज 84 कोष दर्शन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 8 दिवसीय यात्रा है, जो कि श्री हित राज मंडल श्री धाम वृंदावन के श्री बहन श्री हित लाडली सरन जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये 8 दिवसीय यात्रा जो है जिनका आज यमुना पूजन एवं चुनरी मनोरथ के साथ शुभारंभ हो गया है। 8 दिनों में ये यात्रा वाहनों की सुविधा अनुरूप ये की जाती है, जिसमें ब्रज 84 कोष के संपूर्ण मंदिरों के दर्शन यात्रा में होते हैं और 8वें दिन दूध की धार के साथ वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाकर पंचकोशीय परिक्रमा लगाकर ये जो यात्रा है संपूर्ण होती है, तो 8 दिवसीय यात्रा है जिसका आज से शुभारंभ हो गया है। ये ब्रज 84 कोष के दर्शन नित्य आपको ग्रह रहे दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ग्रह रहे दर्शन के लिए मैं दिनेश सिंह धरकर श्री राम वृंदावन राधे राधे।